नमस्कार दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय के छात्रों के लिए और दोस्तों दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों के लिए दोस्तों यह खबर है दोस्तों, जिसमें इस वीडियो को आपको सभी मित्रों से शेयर कीजिए। जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है उन छात्रों को दोस्तों उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें पहला है दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के हेतु, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय में अध्ययनस्थ 2021 मई जून सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षाएँ, जिसमें एमएससी, फिर दोस्तों सी मास्टर ऑफ साइंस वर्क, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमआर के छात्र छात्राओं के द्वारा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी तथा तृतीय सेमेस्टर एटीकेटी तथा बीएड एमएड भूतपूर्व एटीकेटी एवं बीपीए दोस्तों बीए एलएलबी के द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर अष्टम दोस्तों यह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्तों। इन सभी छात्रों के लिए दोस्तों जो एटीकेटी है भूतपूर्व है और जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों जिसमें एमएससी आईटी द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व एटीकेटी, इन सभी छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों जिसमें आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों, जिसमें पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलोसफी द्वितीय एंड दोस्तों पीजी डीसीए डीडीसीए द्वितीय नियमित पूर्व सेमेस्टर का पात्र अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन पद्धति से विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट पर परसु के द्वारा दोस्तों ऑनलाइन दोस्तों परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की तिथि जो है निर्धारित किया गया है दोस्तों, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अध्ययनस्थ हेतु दोस्तों विश्वविद्यालय से अध्ययनस्थ में एम ए एम एस सी मास्टर ऑफ सोशल वर्क सेमेस्टर 2021 मई जून कि सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन के लिए तिथि आ गया है दोस्तों, जिसमें आप इन सभी जिसमें इन में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सभी छात्रों के लिए है, जिसमें नियमित भूतपूर्व और जो मुख्य परीक्षा नियमित के लिए, जिसमें जो पात्र है अभ्यर्थी हैं के लिए ऑनलाइन पद्धति विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.pursu.uni.in पर के द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि किया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत दोस्तों, इसमें पूर्व में दोस्तों दुर्ग विश्वविद्यालय के नाम से संबंधित था, जिसमें इस दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत एवं समस्त महाविद्यालय में सत्र 2021 मई जून की परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर कक्षाओं के एम ए एम एस सी होम साइंस, फिर तो दोस्तों एम कॉम मास्टर ऑफ सोशल वर्क द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय एटीकेटी भूतपूर्व एवं बीबीए सिस्टम भूतपूर्व एटीकेटी छात्र पात्र छात्राओं के लिए अंतिम अवसर के रूप में ऑनलाइन पद्धति विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने के लिए जो तिथि निर्धारित किया गया है, जिसमें संबंधित पात्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी अंक सूची साथ में परीक्षा विभाग में संपर्क करने के उपरांत ही वे ऑनलाइन आवेदन कर सकें। इस बार दोस्तों के लिए विश्वविद्यालय अधीनस्थ दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एम कॉम की परीक्षा हेतु प्रगति महाविद्यालय चौबे कॉलोनी रायपुर में परीक्षा केंद्र रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है डेट सब आ गया है, जिसमें परीक्षा शुल्क इंटरनेट बैंकिंग फिर SBI चालान डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन द्वारा संपूर्ण शुल्क परीक्षा आवेदन जमा करने की तिथि जो है आपको 31/7/2020 से 16/8/2020 तक आपको जमा यानी ऑनलाइन आवेदन करना है। फिर दूसरे ऑनलाइन पद्धति द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी सरल कर परीक्षा केंद्र में जमा करने के तक 19/8/2020 तक जमा किया जाएगा। फिर दोस्तों परीक्षा द्वारा जमा किए गए हार्ड कॉपी को संलग्न सहित नॉमिनल रोल न्यूमेरिकल एंड शुल्क सूची बनाकर दोस्तों इसे विश्वविद्यालय पहुंचाने का तिथि जो है 24/8/2020 तक रहेगा। इसी प्रकार से विलंब शुल्क जो है 100 रुपये ऑनलाइन द्वारा संपूर्ण शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 17/8/2020 से 22/8/2020 तक रहेगा। इसी प्रकार से विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र हार्ड कॉपी संलग्न संबंधित परीक्षा केंद्र जमा करने की तिथि 25/8/2020 तक रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ विद्यार्थी द्वारा जमा किए गए हार्ड कॉपी संलग्न सहित नॉमिनल रोल न्यूमेरिकल रिटर्न सूची दोस्तों इस प्रकार बनाकर 27/8/2020 तक जमा करने पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों और एक महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए, उपयुक्त निर्धारित तिथि के पास कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। जिन कक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं उन सभी परीक्षा
को ऑनलाइन से परीक्षा आवेदन कर रहे हैं तो अतिरिक्त अवधि दी जाएगी, जिसमें तीसरे दस विश्वविद्यालय और मई जून 2020 सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए पूर्व प्रसिद्ध केंद्र सूची के दोस्तों फिर बीपीएड एमपीएड सेमेस्टर 2019 दिनांक 23/10 के द्वारा घोषित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं के केंद्र सूची के अनुसार परीक्षा केंद्र यथावत रहेंगे, परंतु दुर्ग विश्वविद्यालय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के विश्वविद्यालय अधीनस्थ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर एमकॉम की परीक्षा हेतु प्रगति महाविद्यालय के चौबे कॉलोनी रायपुर में स्थित परीक्षा केंद्र को रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करना है, परीक्षा आवेदन भरने हैं, तो उससे सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 के लिए फॉर्म भरने का दिशा निर्देश दिया गया है। इस हिसाब से पहले यूज़र आईडी क्रिएट पर विकल्प पर क्लिक करेंगे, यूज़र आईडी प्राप्त करेंगे, फिर लॉगिन करके सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट के बाद एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी जो है हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ महाविद्यालय में जो है जमा करेंगे। दोस्तों यदि किसी प्रकार कोई समस्या होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दोस्तों आप ईमेल के माध्यम से अपना समस्या भेज सकते हैं। फिर दोस्तों पाँचवें नंबर है परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा शुल्क उपयुक्त बताकर सभी हार्ड कॉपी की 2 कॉपी प्रिंट करके प्रति छात्र अपने पास रखें तथा विश्वविद्यालय प्रति आवश्यक दस्तावेज के साथ परीक्षा में अग्रसर शुल्क 30 रुपये प्रति छात्र के साथ हार्ड कॉपी जमा करेंगे। दोस्तों परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है, जिसमें एमए एमएससी होम साइंस एमकॉम के लिए दोस्तों नियमित के लिए जो रहेगा दोस्तों 1,075 रुपये, भूतपूर्व के लिए भी 1,075 रुपये और एटीकेटी छात्रों के लिए 650 रुपये। इस प्रकार दोस्तों एमए एमएससी एमकॉम के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट विषय के लिए 240 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आपको 1,315 रुपये। इसी प्रकार मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए 1,230 रुपये और जो है 805 रुपये आपको एटीकेटी के दिए देना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर जैसे फीस आवंटित कर दिए गए। इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको सभी मित्र शेयर जरूर करें।